हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी के अंदर जितने भी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं उनका जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का आ चुका है। जैसे इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो है, तो जितने भी नर्सिंग के और पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उन सभी का जो कंट्रोल है इस यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है, यानी सभी कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। तो पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था, उस वीडियो में कंप्लीट क्या इन्फॉर्मेशन थी पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में और नर्सिंग कोर्सेज के बारे में। जितने भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे BSc नर्सिंग में या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में या फिर पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स में, तो आपको जो है ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके थ्रू ही आपका अलॉटमेंट होगा, ठीक है। तो अभी जो फॉर्म आ चुका है, क्या डेट्स हैं और क्या क्या सिलेबस वगैरह है, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यह है ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ इसकी, और यहीं पर आपका जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो सबसे पहले आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, यह है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी CNET 2024। अब ये नर्सिंग वाला है। अब जो स्टूडेंट कहेंगे कि पैरामेडिकल वाला जो है यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है, तो अभी पैरामेडिकल का यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आया, हो सकता है वो भी एक दो दिन में आ जाए। जैसे आएगा उसका भी सेपरेट वीडियो बनाकर मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर यूपी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं उन सब में एडमिशन होगा। कौन कौन से हैं? SGPGIMS लखनऊ, KGMU लखनऊ, RML इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, UPUMS सैफई, LLRM मेरठ। तो ये कॉलेजेस गवर्नमेंट जहाँ पर जो नर्सिंग है अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी हुई है, ठीक है। क्या है? 4 साल का BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो कि 2 साल का होता है, या फिर MSc नर्सिंग NPCC जो कि 2 साल का होता है। उसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है आज से, यानी 25 अप्रैल 2024 थर्सडे से। जितने भी स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू व्यू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको जो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ये है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। पहला है BSc नर्सिंग जो 4 ईयर्स का प्रोग्राम है उसके लिए। तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, एक है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, दूसरा रजिस्ट्रेशन, तीसरा लॉगिन। तो आप फॉर्म भरने से पहले ये इन्फॉर्मेशन देखेंगे, इसके बारे में अभी आपको मैं बता दूंगा, फिर आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से करेंगे और लॉगिन यहाँ से करेंगे। एक और चीज़, जो लोग भी एंट्रेंस वाला यूट्यूब चैनल के थ्रू अपना फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप खुद से भर लें या फिर कहीं भी कैफ़े पर जाकर भरवा लें, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं क्योंकि सभी कैफ़े वालों को पता नहीं होता क्या चीज़ को कैसे भरना है और रजिस्ट्रेशन में किस चीज़ को कैसे लगाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होंगी। तो अगर उसमें आपकी कोई दिक्कत आती है और आप चाहते हैं कि एंट्रेंस वाला की तरफ से आप फॉर्म भरवाएं तो आप वो भरवा सकते हैं। एंट्रेंस वाला की जो टीम है वो आपको यहाँ पर फॉर्म भर कर देगी, लेकिन उसका जो एक चार्ज है आपको देना पड़ेगा 500 रुपीज़। तो अभी अगर आप चाहते हैं कि इसको शुरू किया जाए, अभी ये स्कीम शुरू नहीं की है, अगर आप चाहेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना सभी स्टूडेंट, हम जो है इसको लागू कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है फॉर्म भरवाने के लिए, ठीक है। और जो लोग पहले ही मन बना चुके हैं भरवाने का एंट्रेंस वाला की तरफ से फॉर्म, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना, तो यहाँ पर कल से जो है हम फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो जो लोग भरवाना चाहते हैं यहाँ पर बताएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम इस सर्विस को और बढ़ा दें, ठीक है। तो सबसे पहले और दूसरी जो चीज़ यहाँ पर है वो है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2 साल का जो है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर है। तीसरा MSc नर्सिंग, और जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनका भी आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं सेपरेट आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखेंगे क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो यहाँ से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये है टोटल 15 पेज का ब्रोशर है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। अब इसमें जो पूरी इन्फॉर्मेशन है BSc नर्सिंग से रिलेटेड वो यहाँ पर दी हुई है। जो पहला कोर्स है BSc नर्सिंग 4 साल का जो कोर्स है, यहाँ पर आपके किन किन कॉलेज में एडमिशन होने हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस टाइमलाइन यहाँ पे दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन जो फॉर्म है स्टार्ट हो गया है 25 अप्रैल 2024, यानी आज से लेकर लास्ट डेट जो है 29 मई 2024 को शाम के 6 बजे तक है। एडमिट कार्ड अवेलेबल जो ऑनलाइन होगा 5 जून वेडनेसडे को, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है 14 जून को है। इसकी डेट तो मैंने पहले भी आपको बता दी थी, डेट जो प्लेस है एग्ज़ाम का ये आप जो भी फॉर्म में भरेंगे उसके हिसाब से आएगा, और रिजल्ट डिक्लेरेशन ये भी आपके वेबसाइट पर बता दिया जाएगा, ठीक है। ये टेंटेटिव डेट्स वगैरह हैं, किन किन कॉलेजेस में एडमिशन होना ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये कॉलेजेस हैं यहाँ पर, अगर आपको एडमिशन लेना है जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं प्लस ये वाले जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म भरना होगा,
उसके साथ ही कहाँ कहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। 19 सिटीज़ हैं, यहाँ पर आपको जो है एग्ज़ाम देना होगा। किसी भी एक जगह को आप चूज़ करेंगे और वहीं पर आपका जो है सेंटर पड़ेगा, ठीक है। अगली चीज़ आती है किस मोड में जो है क्वेश्चन पेपर आएगा, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाई लैंग्वेज यहाँ पर होगी, तो दोनों में क्वेश्चन पेपर होगा, आप जिसमें भी देना चाहें दे सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड, और यहाँ पर ऑनलाइन ही सिर्फ फॉर्म भरा जाएगा। नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव्ड बाय पोस्ट, यानी पोस्ट के थ्रू कोई भी नहीं भरा जाएगा, बस यहीं पर बताया गया, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आ जाता है यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह कितनी है, तो एग्जामिनेशन फ़ीस देखेंगे इसकी, तो अनरिजर्व्ड एंड अदर के लिए यहाँ पर 3000 है, और बैकवर्ड यानी जो सॉरी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 2000, अनरिजर्व्ड और अदर ओबीसी वगैरह के जो है यहाँ पर 3000 लगेंगे, और अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तब आपके यहाँ पर 2000 रुपये लगेंगे। तो चार्ज देख लें, जो स्टूडेंट भी भरना चाहते हैं यहाँ पर अमाउंट जो है काफ़ी है, ये आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम। एग्जामिनेशन फीस शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट, एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको यहाँ पर फीस जमा करनी पड़ेगी पूरा फॉर्म कंप्लीट करने से पहले। वंस द वी हैज बीन सबमिटेड देयर शैल बी नो रिफंड, यानी एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया फीस जो है रिफंड नहीं होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आपकी एज कम से कम 17 साल की होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले, ठीक है। और अगर क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात की जाए तो 12th में आपका 10th प्लस 2 जो है कम से कम 45% PCB के साथ होना चाहिए, यानी तीनों का एग्रीगेट करके, और उसके साथ ही इंग्लिश जो है आपने उसके साथ पढ़ी होनी चाहिए। इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST तब आपका 40% भी बहुत है, और जनरल से PWD के साथ हैं तो 45%, ठीक है। इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, प्लस टू में आपका BSc नर्सिंग के लिए इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है 12th में, और जो ओपन स्कूल वगैरह से स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको जो है यहाँ पर वही एलिजिबल हैं सिर्फ जिनके पास करेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस हैं, ठीक है। और अगला है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे उनका मेडिकल फिटनेस होगा, उसके बेस पर ही यहाँ पर जो है एडमिशन मिलेगा। उसके बाद हर कॉलेज में जब एडमिशन होता है उस टाइम पर मेडिकल फिटनेस होता है, जितने भी मेडिकल के कोर्स होते हैं सब में यही होता है, और जो मैरिड स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी वही जो नॉर्मल है यूपी के अंदर, वही नॉर्मल रिजर्वेशन पॉलिसी BSc नर्सिंग के अंदर भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और बाकी जो सर्टिफिकेट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ से बना होना चाहिए, जैसे तहसीलदार या SDM, और ऑनलाइन जो है इनको वेरीफाई किया जा सकता हो ऐसा होना चाहिए तभी यहाँ पर वैलिड होगा। EWS के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी तहसीलदार या SDM से बना होना चाहिए, और सर्टिफिकेट आप वेरीफाई कर सकें पोर्टल से ऐसा होना चाहिए। कुछ डेट्स हैं इसके आपको खास ख्याल रखना है, हो सकता है आप OBC EWS या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, OBC का, EWS का भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए तभी एक्सेप्ट होगा। और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द DM मजिस्ट्रेट विल बी एक्सेप्टेड, यानी यहाँ पर आप फ्रीडम फाइटर का कोटा लगाते हैं तभी आपका जो है DM से जो है आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, और एक्स सर्विस मैन सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी ये कंपिटेंट अथॉरिटी का होना चाहिए। NCC से आप बिलोंग करते हैं तब भी NCC का कम से कम बी ग्रेड का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर वही बोला गया है कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल उत्तर प्रदेश, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप UP के रेसिडेंट होने चाहिए, या फिर आपने 10th और 12th यानी 10th क्लास और 12th क्लास दोनों UP से पास किया हो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस केस में आपने 10th और 12th पास किया है और आपके पास डोमिसाइल नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ UP नॉर्म्स, माइनॉरिटी के लिए जैसे रजिस्टर यहाँ पर जो है रहता है उसी की तरह होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट कैसे फॉर्म फिलअप करेगा, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी चूँकि एक अपडेट देना था इसलिए ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करके बताएं, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, और जो लोग भी फॉर्म फिलअप कराना चाहते हैं एंट्रेंस वाला टीम से तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।